अगर डायरेक्टर बन के हॉरर मूवी की शूटिंग करनी है तो छोड़ो घर बार और चलो जुपिटर के द्वार। और अगर तुम्हारी गरीबी तुम्हारी चरम सीमा पे है फिर तो जुपिटर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तुम्हें फ्री में एलईडी लाइट मिलेगी अलग अलग कलर की। भूत तो तुम्हारे खर्चे पे आएगा लेकिन एक्चुअली में वहाँ तुम्हें थंडर मिलेगा, यानी तुम्हारा बिल्कुल भूतिया मौसम हो जाएगा। रॉकेट का खर्चा मैं नहीं देने वाला, सिक्योरिटी भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन जुपिटर क्योंकि अर्थ जैसा बनना चाहता है तो चलिए जानते हैं ये हवा का गुब्बारा कैसे अर्थ के सिमिलर है। चमत्कारी तो है ये प्लेनेट क्योंकि एक्चुअली में स्टार्टिंग से आज तक इसका गैसियस एटमॉस्फेयर अभी तक वही है। बाकी सब चीज को तो डिलीट भी कर सकते हो लेकिन जो इसका रेड स्पॉट है उसको कौन हटाएगा। तो और इसके एटमॉस्फेयर में अर्थ की तरह भूत दिखते हैं, यानी वो छोटी छोटी लाइट जिन्हें स्प्रिट्स एंड एल्फ्स कहते हैं। ये वही लाइट्स हैं जिन्हें हमें मूवीज और फेरी टेल्स में बताया जाता है कि ये कोई फेरी है या फिर भूत है। पर भैया भूत भूत नहीं, ये एक्चुअली में एक ट्रांजिट ल्यूमिनस इवेंट है। कलयुग बढ़ गया है गाइस, अब भूत पिशाच धरती पे नहीं जुपिटर पे भी है। और नासा के जो जूनो स्पेसक्राफ्ट है उसने मोर्चा उठाया, उसने कहा जुपी भाई के जो भी है एटमॉस्फेयर के अंदर हम झांक के देखेंगे एक्चुअली में इन बादलों के नीचे है क्या। काफी सारे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को आपस में जोड़ा गया जिनकी मदद से हम लोग ये पता कर सके कि एक्चुअली में इसके एटमॉस्फेयर के अंदर है क्या। सारे इंस्ट्रूमेंट को मिलाने के बाद हम जुपिटर की थिक हेज की लेयर को क्रॉस कर पाए, यानी धुंध को। अगस्त 2011 के अंदर लॉन्च हुआ ये हमारा प्रोब ने लगभग 3 बिलियन किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की 2016 जुलाई से पहले, और 2016 जुलाई के अंदर ये जुपिटर के अंदर पहुंच गया। साइंटिस्टों को लगा मौज हो गई, अब हमारी जितनी भी थ्योरी है वो पास हो जाएगी। इसके वेदर के बारे में जैसे ही जानने की कोशिश की गई पता लगा जितना हमने सोचा उससे भी तगड़े तूफान है। पर साइंटिस्टों को हार्ट अटैक आना बाकी था क्योंकि इसके नॉर्थ पोल के अंदर काफी सारे क्लस्टर में साइक्लोन थे, और वो साइक्लोन साइक्लोन भी थे और एंटी साइक्लोन भी थे। लेकिन इसके अलावा यहाँ दिखने को मिला स्प्रिट्स एंड एल्फ। अब सवाल ये है कि दिक्कत क्या है, लाइट ही तो दिखी है, कौन सा कोई असली का भूत आ गया। पर एक्चुअली ये ट्रांजिएंट ल्यूमिनस इवेंट यानी TLS केवल धरती में देखने को मिलते थे और साइंटिस्टों को इसके अलावा ये किसी और प्लेनेट पे देखने को नहीं मिले। अब ऐसे में ये सारे इवेंट अगर आप लोगों को जुपिटर पे दिखे तो ऑब्वियसली हर किसी की हिल जाएगी। पर मजाक से हटके ये काफी ज्यादा रेयर होते हैं। इनको देखने के लिए आप लोगों को इंटेंस थंडरस्टॉर्म के ऊपर जाके लगभग 50-60 माइल्स ऊपर जाके वहाँ आप लोगों को ये लाइटनिंग देखने को मिलेगी। स्प्राइट्स काफी ज्यादा ब्राइट होते हैं और ये इतने ब्राइट होते हैं कि आसपास के इलाके को भी चमका देते हैं। और उससे भी बड़ी बात, ये केवल छोटे छोटे टाइम के लिए दिखते हैं यानी मिलीसेकंड के लिए। स्प्राइट एक्चुअली में जेलीफिश के शेप का रहता है जिसके बीच में काफी ब्राइट लाइट होती है और ये अपने आसपास के 15 से 30 माइल्स के आसपास अपनी ब्राइटनेस छोड़ देता है। इतना काफी है हॉरर मूवी के लिए। और अगर और चाहिए तो एक्चुअली में इसके ऊपर और नीचे दोनों साइड टेंड्रिल्स आते हैं। ये तो क्यूटनेस हो गई ना, अब डराने के लिए हमने रखे हैं एल्व्स। जब लाइट काफी छोटी एमिशन होती है और वो भी काफी छोटी फ्रीक्वेंसी पे तो उसे हम एल्व्स कहते हैं। टॉर्च से नहीं, ये एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स की वजह से फॉर्म होती है और ये फॉर्म होती है एक डिस्क लाइक शेप में। जेलीफिश नहीं मिलेगी भैया, पर भैया ये पैसा वसूल है, आपको यही खरीदना चाहिए क्योंकि ये केवल छोटे एरिया पे नहीं बल्कि 200 माइल्स के एरिया को अपने अंदर समेट लेती है, यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर पे जुपिटर का हिसाब नहीं पता भाई। माल खराब निकले तो वापस तो नहीं कर सकते हैं लेकिन कलर आप लोगों को काफी सारे मिल जाएंगे। कलर डिपेंड करते हैं हमारे मटेरियल यानी एलिमेंट्री कंपोजिशन जो हमारे एटमॉस्फेयर में हो। अर्थ में आप लोगों को ये पिंकी पिंकी टाइप दिखेंगे यानी रेडिश टाइप के, और इसके पीछे का रीजन है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन है ही इतनी ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में, इसके बारे में हम कर ही क्या सकते हैं। लेकिन जुपिटर के अंदर आप लोगों को ये काफी अलग अलग कलर के देखने को मिलेंगे। जूनो भैया ने आप लोगों को और वैरायटी दे दी, जुपिटर के अंदर ये आप लोगों को ब्लू और पिंक कलर में देखने को मिलते हैं और इसके पीछे का रीजन है वहां के हाइड्रोजन। अब बात करते हैं कि एक्चुअली में ये जुपिटर में मिलेगा कहां। अब शूटिंग करने पूरे जुपिटर तो घूम नहीं सकते हो तो एक जगह पे लैंड करना पड़ेगा। पहले साइंटिस्टों को लगता था ये जुपिटर के हर एक कोने में होता है लेकिन ये सब थ्योरी थी जब तक जूनो ने ये डिस्कवर करके नहीं बताया। जूनो भैया के यूवी स्पेक्ट्रोग्राफी इंस्ट्रूमेंट यानी UVS की मदद से ये पता चला कि एक्चुअली में जुपिटर के केवल नॉर्थन फेस यानी ऊपर के साइड पे नहीं दिखते हैं ये स्प्रिट्स और एल्व्स बल्कि ये पूरे जुवियन सरफेस के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन ये चीज साइट करने के लिए काफी लंबी वेटिंग है क्योंकि अभी तक केवल ऐसे 11 इवेंट ही हम लोग नोटिस कर पाए हैं। और भैया मैं कह रहा हूँ इन्वेस्टमेंट कर लो भाई, बहुत ज्यादा फायदा है। 11 मतलब बहुत ज्यादा क्योंकि ये काफी ज्यादा रेयर होते हैं। नहीं करना है तो मत करो, मेरे को क्या, मेरा थोड़ा है पैसा। साइंटिस्ट को गलती से एक चीज दिख जाए तो उसके बाद वो उसका पीछा कहाँ छोड़ते हैं। अब साइंटिस्टों ने ये जानने की कोशिश की इसके पीछे का रीजन क्या है। मतलब रीजन मतलब ये कि एक्चुअली में और प्लेनेट में ये जल नहीं रहा है लेकिन जुपिटर में जल रहा है। खैर इसका एक फायदा भी है कि हमें जुपिटर के कंपोजिशन के बारे में पता लग रहा है। देखा तारक मेहता कितना सही कहा करते थे,
नजरिया बदलो दुनिया बदल जाएगी। वैसे ये सब छोटो छोटो छोड़ो, एक जमाना तो ऐसा भी हुआ करता था जब अगर लोग कहते थे कि भैया जुपिटर पे लाइटिंग हो रही है तो लोग बोलते थे भाई किस कदर फेंक रहा है। वो तो धन्य हो वॉयजर का जिसकी मदद से हमें ऐसी इमेजेस मिली जुपिटर के बारे में जिनसे हमें पता लगा कि वहां भी लाइटिंग होती है भैया। और भैया वॉयजर के लिए दो वीडियो बनाई है, आप चैनल पे चेकआउट करो। वैसे कैसिनी गैलीलियो और साथ ही साथ वॉयजर 2 की मदद से भी हमें जुपिटर के बारे में काफी सारी इमेजेस मिली है। अब चाहे इमेज जुपिटर की हो या फिर आपकी हो, दिखने में तो सभी बढ़िया लगती है और चैनल भी बढ़िया लगा है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब।